हम पनौती है ना, आप पनौती हो यार। हम लोग कालों से निकल चुका है, काफी पूरा जाम हो चुका है और दिक्कत है। ये मेरा पसंदीदा मेरा मखा चला चला बढ़ता गया, जो मेरा मैं साथ सांस लेता गया। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? मेरा ख्याल से आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबको फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज फिर संडे है, तो आज संडे को तो हम हर रोज ब्लॉग बनाते हैं, आप लोग जानते ही होगा। तो आज फिर एक नया ब्लॉग, कुछ अलग ही किस्म का, कुछ अलग ही तरीका का ब्लॉग है आज। तो आज हम लोग जा रहे है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग ने बताया, अभी बताएगा। आप लोग वीडियो को नहीं देखेगा अच्छा से तो आपको रास्ता में चलते चलते बताएगा आपको। और जहाँ भी जा रहे हैं बहुत बढ़िया जगह है, बहुत एकदम शानदार जगह है, एकदम चुम्बेश्वर है, एकदम फाड़ू जगह है। तो आप लोग को दिखाएगा। हम जा रहे हैं, एक भैया जा रहे हैं और एक मेरा दोस्त राजा, उसको जानता हूँ आप लोग, तो वो जा रहे हैं। तो चलिए गाइस चलता है, उससे पहले हम फ्रेशअप होगा, ब्रश करा था अभी, तो उसके बाद जाएंगे घूमने के लिए। तो गाइस मिलते हैं वीडियो में रास्ता में। तो गाइस ये मेरा बसंती, मेरा हर मुश्किल में मेरा साथ देता है, तो इसको भी थोड़ा सफा करना पड़ेगा, है कि नहीं गाइस? ये तो ये भी बुरा मान जाएगा। तेरे बिना मैं मारो डिग्रो, मारो डिग्रो, मारो डिग्रो, मुझे कसम है तेरी। तेरे बिना मैं, तेरे बिना मैं, मेरे बिना खुश रहे तू जमाने में। So guys, हो गया सब कुछ, अभी निकलते हैं दोस्त का घर, उसको भी लेके आएगा, तो मिलते हैं गाइस रास्ते पे। So guys, अभी हम अपना दुकान का भाग में अपना दोस्त गुरु है, तो यहाँ भी मेरा पसंद थी और भी मेरा दुकान है, और दोस्त अभी आ रहा है बोलता उसको मिलेगा। और अभी आलू का टाउन कुछ मिलेगा, संडे सब बंद है, देख सकता है आप लोग, आज पूरा आलू टाउन पूरा बंद है आज संडे, मतलब शोम को सिर्फ बंद है। और दोस्त का घर उस तरफ से अभी तक नहीं आ रहा है, दोस्त को रुकने का बाद, और एक भैया है उसको भी रुकेगा, उसके बाद जाएगा। तो गाइस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आज का वीडियो बहुत मज़ेदार फाड़ू होने वाला है गाइस। और इधर दोस्त का पावर बैंक और मोबाइल और जैकेट उसका अभी तक नहीं आया है। गाइस राजा आ चुका है, देखिए ये वीडियो में आने के लिए बहुत ये शर्म करता है। ये देखिए ये है राजा, हम लोग साथ ज्वाइन किए, और एक भैया को रुक रहा है, वो अभी तक नहीं आया, तो उसको रुकने का बाद हम लोग भी यहाँ से निकलेगा। सो गाइस हम लोग कालों से निकल चुका है अपना घर से, हम लोग भैया आगे आगे जा रहे हैं, और आज ट्रैफिक बहुत भीड़ है, क्योंकि आज संडे है, आज सपन है बोल के आज बहुत भीड़ है ट्रैफिक। सो गाइस ट्रैफिक बहुत है और मौसम भी बहुत अच्छा है, क्योंकि धूप धूप एकदम बढ़िया मौसम है आज। आज तो वीडियो बनाने के लिए बहुत मज़ा आएगा आज, इसके लिए जा रहे हैं हम लोग। और मेरा पीछे का नज़ारा आप लोग चेक कर सकते हैं कि किस तरीके का है। इधर में सब मार्केट खुला है, इधर में आज संडे वो सिर्फ शोम कॉलोनी बंद होता है, हम लोग का जो कॉलोनी हम देखते हैं वो सिर्फ बंद होता है। तो गाइस आप लोगों ने बताया था आपको कहाँ जा रहे हैं, जा रहे हैं आप लोग, मेरा फर्स्ट ब्लॉग देखा था होगा, ब्रिज नहीं आता था मेरा फर्स्ट ब्लॉग, वो ब्रिज थोड़ा पार करके एक बहुत सुंदर एक झरना है बोलते हैं, वो झरना में हम लोग घूमने जा रहे हैं। हमको पता नहीं वो कि कहाँ है और कौन सा रास्ता में है, तो वो हमारे साथ जो एक भैया था उसको पता है, वो उसके पीछे पीछे जा रहे हैं हम लोग। वो झरना बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, तो आपको दिखाएगा, तो देखने के लिए आप लोग बने रहिए। और इतना आप है पर भी गाइस ऑफरोडिंग, ये मेरा फर्स्ट ऑफरोडिंग एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं है, जो होगा देखा जाएगा रास्ता पे। धूली भी इतना ज़्यादा है, सो गाइस हम लोग को वो रास्ता झरना का रास्ता नहीं मिला, तो अभी हम लोग कुछ अभी हम लोग कई और जगह में जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि बासर, अरुणाचल प्रदेश बासर, वो जगह में जाएगा, वहाँ में एक बहुत सुंदर एक पार्क है,
तो वो जगह आपको एक्सप्लोर कराएगा। तो वीडियो में बने रहिए, अभी हम लोग जाएगा बासर हम लोग तीनों। सो गाइस, आप लोग को आप दिल से सॉरी बोल रहे हैं, क्योंकि जो जगह मैं आप लोग को ले जाएगा बोल रहा था वो जगह नहीं जा पाया, क्योंकि हमको रास्ता मालूम नहीं था। तो अभी हम वो जगह छोड़ के एक बासर बोलने वाला जगह है, बासर अरुणाचल प्रदेश, आप लोग जानता ही होगा, उधर एक बहुत सुंदर जगह है, तो वो जगह जा रहे हैं अभी हम लोग। तो थोड़ा यहाँ से फिर हम लोग घर का उस तरफ जाना पड़ेगा, घर का उस तरफ से जाएगा। तो आप लोग को दिल से सॉरी, तो नया जगह जा रहा है अभी हम लोग, तो चलेगा चलता है। सो गाइस, अभी हम लोग निकल चुका है बासर के लिए, बोला जगह हम लोग कैंसिल कर दिया, तो अभी बासर निकल रहा है। और यहाँ का रास्ता कुछ इस तरीके का है, बहुत ऑफ रोडिंग है, रास्ता भी बहुत ख़राब है, और आगे से हाईवे मिलेगा। तो यहाँ से कम आपका 45 किलोमीटर होगा। तो आज तो बहुत मज़ा आने वाला है। और ये जगह का नाम है वन किलो, जगह का नाम ही है वन किलो। और धूलि भी इतना है, रास्ता भी ख़राब है, और कीचड़ भी है, क्या ही बोलूँगा, इस पर भी आ जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा आज, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। सो गाइस, आज वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, मेरा साथ ज्वाइन किया है राजा और एक भैया है, तो आज वीडियो में बहुत मजा आने वाला, आप लोग जरूर देखना। अभी हम लोग यहाँ से 2 घंटे में पहुँच जाएगा बासर। गाइस, बहुत दुख भी लग रहा है, क्योंकि जो जगह मैं गया था वो जगह नहीं जा पाया, और एक बार दुख लग रहा है, क्योंकि अपना स्कूटी को इतना ऑफ रोडिंग में लेके आया है। पर कोई नहीं गाइस, आप लोगों के लिए जो भी कर सकता हूँ मैं, रास्ता भी बहुत ख़राब है, क्या ही बोलूँ, रास्ता को चेक कर सकता है गाइस, इतना ख़राब है रास्ता। गाइस देख सकते हैं रास्ता कितना है, कितना ख़राब, कितना गंदा है रास्ता। इतना खराब है, इतना खराब है कि गाइस क्या ही बोलूं मैं। धूल देखिएगा, ये धूल इतना है, धूल भी इतना ज्यादा है। धूल देखो भाई, धूले 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 धूले, इतना धूल मत उड़ा दे भाई, अब्बा देखो रे कैमरा में हाथ नहीं आ जाए रे राजा भाई, धूली तो मरा देगा आदमी को रे, असली का इतना धूली होगा तो कहाँ होगा गाइस, मर जाएगा आदमी धूली से ही, जितना आदमी का इंजन में पूरा, आदमी का इंजन में पूरा धूली घुस जाएगा। अब्बा आप लोग देख ही सकते हैं कितना धूल है। हाँ हाँ, धूली धूली धूली, इसका जगह अगर हवा फेंके जाता तो कितना अच्छा होता गाइस, धूली फेंका तो बहुत बुरा लग गया आज, यात्रा खराब कर दिया आज। धूली देख सकता है गाइस कितना ज़्यादा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा आगे, इतना धूली है, आप लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं आप लोग, पूरा आँख में धूली घुस गया। तो चला, ये बड़ा गाड़ी लोग ऐसे ही होता है, दुख देते रहते आदमी को, ये दुख का है खत्म नहीं होता भाई, इतना धूली है बा तरीका, धूली धूली है रे भाई। गाइस रास्ता बहुत मजा मिल गया अभी, यहाँ से रास्ता पूरा मजा है अभी, रास्ता यहाँ से आप लोग को अभी ऑफ रोडिंग नहीं मिलेगा, यहाँ से पूरा एकदम फाड़ू है, एकदम चुमने सुए रास्ता यहाँ से, और इसी और आगे से तो पूरा हाईवे है, और नज़ारा देख सकता है गाइस क्या मस्त नज़ारा। यहाँ से कुछ अभी हाईवे मिल गया गाइस, देख सकते हैं हाईवे, और साइन है दापोर जो 116 किलोमीटर और 0269 किलोमीटर, अभी यहाँ से पूरा हाईवे गाइस, हाईवे
भैया का बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है, बोला जब भी मेरा साथ घूमने निकलता है कुछ ना कुछ तो होता ही है। नसीब खराब होता है, नसीब खराब। हम पनौती है ना, आप पनौती हो या तुम पनौती है? मेरा साथ जब भी निकलता है बाइक तो खराब होता ही है भैया का, अभी भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। और राजा इधर देख रहा है, राजा कुछ बोलो ना, आज कैसे ला रहे हो तुम घूम के आज? हाँ राजा कुछ तो बोल दो। सो गाइस, रास्ता देख सकते हैं, इतना मजा रास्ता मिल गया अभी यहाँ से, तो और थोड़ा बाद में और ऑफरोडिंग मिलेगा। और यहाँ डंपर लोग जा रहे हैं देख सकते हो, और यहाँ से रास्ता खराब, धुली 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 धुली। हम पता है रास्ता, हम ग्यारह बार भी आया था ना इसमें। और यहाँ से धूली शुरू हो गया, ऑफ रोडिंग भी शुरू हो गया गाइस, इतना धूल। इतना धूले रास्ता खराब हो कुछ नहीं, लेकिन धूली नहीं होना है। धूली देख सकता है गाइस, इतना आप लोग चेक कर सकते हैं धूली को। खत्म? नहीं नहीं खत्म नहीं हुआ है। पूरा धूल घुसेगा साथ में पूरा। कैसे अच्छा रास्ता, रेस 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 आओ। रेस करे, रेस रेस। गाइस इस जगह में थोड़ा रेस्ट करेगा क्योंकि बहुत थक गया पहले चल चल के। और मेरा पीछे का नज़ारा देख सकता है इस तरह का, इतना सुंदर नज़ारा है ना। और ये रास्ता भैया भी आ चुका है, राजा थोड़ा फोटो खींचे देखते, थोड़ा रुक रहे। नज़ारा देखिए गाइस, क्या मस्त नज़ारा है, वाह। नज़ारा नज़ारा देखिए गाइस, क्या सुंदर नज़ारा है। सच बहुत मजा लग रहा है इतना सुंदर जगह में आके गाइस। आप लोगों को ये जगह कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अभी और कैसे फोटो खींचते तो अभी और थोड़ा टाइम लगेगा तो पहुंचने के लिए अपना फाइनल डेस्टिनेशन में। और ट्रक देखिए गाइस, इतना बड़ा ट्रक, वाह। राजा कल तो फोटो मार गया, बोला है पोस्ट दो पोस्ट दो। देखिए गाइस नदी कितना सुंदर तरह के बह रहा है, क्या मस्त नदी है, छोटा मोटा नदी। और इतना सुंदर नजारा है, इतना सुंदर नजारा है गाइस, देख सकते मेरा पीछे है नजारा, क्या मस्त नजारा है गाइस, बहुत मजा आ रहा है गाइस। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे ठीक है गाइस, क्या मस्त मजा रहा है गाइस, बहुत मजा आ रहा है इधर में आ गया आज, वाह वाह वाह। पहाड़ देखिए गाइस, पहाड़ क्या मस्त नजारा है, क्या मस्त मस्त मस्त, जितना ही बोलो उतना ही कम है यहाँ का नजारा गाइस। अभी अभी हम थोड़ा साइंस में इसे हाथ लगाया था, पूरा हाथ जल गया गाइस, देख सकते हो लाल हो गया पूरा, हाथ पूरा जल गया, चला रहे साइंस पकड़े मेरे हाथ गर हाथ पूरा जल गया। ये स्कूटी साथ नहीं दे रहा है, क्या हो गया, मतलब इतना रेस देने से भी नहीं उठ रहा है आप में।
वो नज़ारा देख सकते हैं गाइस, क्या मस्त सीन है, क्या नज़ारा है। गाड़ी जा रहा है इधर से एक, पीछे का नज़ारा देख सकते हैं गाइस, क्या मस्त है, चारों तरफ हरियाली हरियाली और धूप इधर, क्या मस्त नज़ारा लग रहा है गाइस, सच में असली का। तुम पिशाब करे इतना दूर गया है, डायरेक्ट नीचे जाओ, नीचे गिरेगा रे राजा। फाइनली गाइस हम लोग पाम विलेज एंटर कर चुका है, पाम विलेज से अभी हम दो जगह जा रहे हैं, वहाँ पे और सामने ही है, और यहाँ से रास्ता भी बहुत ख़राब है, और ये है पाम विलेज का नज़ारा, कुछ इस तरीके का है देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ में आर्मी की गाड़ी रुक भी जा रहा है, ये है पाम विलेज। टाटा सा टाटा, बस्ती का, यहाँ का बस्ती का नज़ारा कुछ इस तरीके का यहाँ देख सकता है गाइस, बम विलेज बम। ट्रैफिक पूरा जाम हो चुका है, और देख सकते हैं पीछे पीछे ट्रैफिक पूरा जाम हो गया, पासर इतना ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक हो गया। सर जी आप लोग कहाँ जा रहे हैं, आप लोग कहाँ जा रहे हो? हाँ बाम ठीक, और ये है बासर का आर्मी कैंप, और बासर सॉरी गाइस मतलब बाम का आर्मी कैंप। फाइनली गाइस बासर आ गया, फाइनली गाइस बासर पहुंच ही गया आखिरकार, बहुत कठिन समय के बाद, इतना घंटा के बाद। आज सब संडे है इसलिए आज बंद है थोड़ा मोड़ा, लेकिन कोई कोई दुकान लोग खुला है। तो लड़का क्या कर रहा था? और ये बासर टाउन देख सकता है आप लोग, वही तो गाइस। हम लोग बासा टाउन पार करके हम लोग काफ़ी गोरी बस्ती एंटर कर रहा है, और हम लोग जो जगह में हम लोग आएगा बोल के आया था वो अभी उसमें ही जा रहे हैं अभी हम लोग, और यहाँ से तो रास्ता पूरा ख़राब है, अभी यहाँ से रास्ता पूरा ख़राब है। उसके बाद जो जगह जा रहा है यहाँ से आपका समथिंग 2 किलोमीटर होगा दूर,
2 किलोमीटर ऐसे दूर होगा यहाँ से वो रास्ता, और रास्ता को देख सकते हैं कितना खराब है। गाइस पहुंचने वाला है अभी हम लोग, आखिरकार पहुंच ही गया कठिन समय के बाद। अभी और 10 मिनट है यहाँ से वो रास्ता, 10 मिनट के बाद वी आर इन लाइहो प्लेस। आप भी इतना ज्यादा, आप फाइनली पहुंच गया गाइस, क्या मस्त है, क्या मस्त मजा रहा, बहुत दिनों के बाद बहुत मजा लग रहा है आज। राइट में घुसा होना। फाइनली गाइस पहुंच गया हम लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन में, और यहाँ का नजारा देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है, क्या मस्त नजारा है। और यहाँ पे आए टिकट विकट लेता है यहाँ में। गाइस देख सकते हैं इतना सुंदर नजारा है, इतना सुंदर व्यू है यहाँ से देख सकते हैं गाइस। उधर नाव है, नाव भी खेल सकते हैं उधर में, इधर बतख लोग खेल रहा है इधर में, और यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरीके का है देख सकता है आप लोग, क्या मस्त नज़ारा है देख सकते हैं आप लोग गाइस, बहुत मज़ा लग रहा है इधर में आके आज, यही बोलो आप लोग को।